हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब चलते हैं 41 पर। एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100। अब 15% का लाभ होता है तो कितने में बेचेगा वो उसे? 115 में। यदि वह उसे 3 गुना कीमत पर बेचे, अब कितने में बेचता है? 115 में। फिर कितने में बेचेगा? 3 गुना कीमत पर। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 15 * 3 = 45 और 3 * 1 = 3। तो अब प्रॉफिट कितना होगा? 100 में कोई चीज़ खरीदी, 345 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ 245 का। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 100 और मल्टीप्लाई में 100। तो 245% का उसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42। 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका डायरेक्ट तरीका तो हो जाएगा कि हम 540 और 370 को माइनस करें, यानी इनका अंतर निकालें, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको या तो 370 में ऐड कर देंगे या 540 में से माइनस कर देंगे। इसका बेसिक कैसे होगा वो देख लेते हैं। आप मानो कि सीपी यहाँ पर है तो प्रॉफिट होता है, यानी कि सीपी से ज़्यादा में बेचेगा, एसपी यहाँ पर आ जाएगा। तो 540 में वो कोई वस्तु बेचता है तो उसे कुछ प्रॉफिट होगा, हम मान लेते पी का प्रॉफिट हुआ, और 370 में बेचने पर उसे हानि होती है, हानि होती है तो कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेगा, यानी कि 370 में बेचा तो यहाँ से उसे हानि होगी। अब ये हानि इस प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि यहाँ पर भी पी के बराबर हानि हो जाएगी। तो यहाँ से अंतर कितना है, ये 2p का, और रुपये में अंतर कितना है? 540 में से 370 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 170। पी कितना आ जाएगा? 2 * 8 = 16 और 2 * 5 = 10। तो पी की वैल्यू आ गई 85। अब 85 को या तो 370 में ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, या 540 में से माइनस कर सकते हैं। तो 370 में अगर हम ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? ये 5 और 5 455 कॉस्ट प्राइस है। फिर एक बात और बोली है कि यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो, यानी कि सेलिंग प्राइस 910 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 45 तो ये हो जाएगा, फिर 500 400, यानी कि 455 का प्रॉफिट होगा। किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस भी 455 है और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 100% का प्रॉफिट। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 20 कलमों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे रेट और यहाँ पर हम लिखेंगे सामान। तो रेट कितना था? 80 रुपये में, और प्राइस है, यानी सामान है 90 कलम। तो 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80% हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस को अगर हम माने कि 100% है तो 20% की हानि होती है, यानी कि 80% में बेचेगा। उसके बाद दूसरी लाइन में बोला कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी 120% हो जाएगा, इतने में बेचनी पड़ेगी। कमाने के लिए 90 कलमों को, तो कलम ऊपर आएगी, यानी सामान ऊपर है और रेट नीचे आएगा, तो कलमों का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि हम मान लेते हैं एक्स विक्रय मूल्य है, तो एक्स की वैल्यू में ऐसे निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल और 80 से 80 कैंसिल, तो x को इस साइड लेके आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 120। तो 90 कलमों को 120 रुपये में बेचना होगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 4,158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि थोक व्यापारी का लागत मूल्य 100 रुपये है और थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 105% पर बेचेगा। इतने में उसने एक खुदरा व्यापारी को जैकेट बेच दिया। अब खुदरा व्यापारी के लिए तो कॉस्ट प्राइस है और वो एक ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस के 110% पर बेचेगा। अब ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस एक ग्राहक का, और ग्राहक ने भुगतान किया था 4,158 रुपये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू में ऐसे निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 5 से सोल्व करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 20।
अब 21 से इसको अगर हम कैंसिल करें, पहले 11 से कर लेते हैं, 11 तिया 33, बचेगा कितना यहाँ से 8, 11 सत्ते 77 और 11 अठे 88। अब हम कैंसिल कर लेते हैं इसको 21 से, तो 21 से कम 21 कितना बचेगा 16, यानी कि 168 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 मल्टीपल 18, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई में 200, तो 18 दूनी 36 और 2 0, तो 3600 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा? कितने में खरीदता है? 9000 में, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9000, और कितनी खरीदता है? 500 किलो। अब 10% खराब हो गई, तो 500 का 10% हो जाएगा 50, यानी कि 50 किलो तो खराब हो गई, तो बचेगी कितनी? 450 किलो। अब इतनी कपास उसके पास बच जाएगी, 50% 50 किलो तो खराब हो गई। अब इस पर उसे 10% का लाभ कमाना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 110% पर बेचेगा, तो इसका 110% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9900। इतने रुपए में बेचेगा, कितनी बेचेगा? 450 किलो। और इसने बोला है कि 1 किलो के रुपए कितने होंगे, तो 450 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 किलो का मूल्य निकल कर आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो 22 रुपये पर केजी, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 46। किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ परसेंटेज में क्या होगा? 150 का 150% का लाभ होता है, यानी कि 150 बटा 100, अगर 100 सीपी है तो प्रॉफिट होता है 150 का, तो बेचेगा कितने में? कोई चीज़ खरीदी 100 में, 150 का प्रॉफिट कमा लिया, तो बेचेगा 250 में। फिर क्या बोला है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25% बढ़ जाता, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? पहले 100 था तो 25 बढ़ गया, तो 125 हो जाएगा, तो अब प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हो जाएगा 125 का, किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 125 मल्टीप्लाई में 100, तो इससे ये कैंसिल, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 100% का, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47। चौसठ सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने भी किया था 43 का, वही कंसेप्ट यूज करेंगे। नीचे लिखना है आपको रेट, ऊपर आएगा सामान। तो क्या बोला है कि 60 रुपये में 64 सेब बेचने पर एक व्यापारी को 25% का लाभ होता है, यानी कि 125% हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस को माने हम 100%, तो 25% का लाभ होगा, यानी कि 125% में बेचेगा। फिर दूसरी लाइन में बोला है कि 40% की हानि के लिए, तो 40% की हानि यानी कि 60% हो जाएगा, अब 100 में से 40 माइनस करेंगे 60, हानि के लिए उसे 36 रुपये में, तो रुपये नीचे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए? तो मान लेते हैं एक्स सेब बेचे, तो एक्स की वैल्यू में ऐसे निकालनी है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 6 36 हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू निकालनी है 64 मल्टीप्लाई में 125, नीचे है 10, इस साइड से 10 और आ जाएगा नीचे, तो ये एक्स के बराबर है। 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल करेंगे 16, और 16 5 80, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 80, तो 80 सेब उसे बेचने पड़ेंगे 36 रुपये में, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये है तथा लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% में बेचेगा, और ये कह रहा है कि 144 में बेचा, तो 120% की वैल्यू 144 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1 0 हटाकर इसका 12 मल्टीपल है, तो 1 0 हटाकर इसका भी 12 मल्टीपल करेंगे, तो 120 आ जाएगा, 120 उसका कॉस्ट प्राइस है, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 अधिक रुपए प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट तरीका मैंने बता रखा कि अंतर निकाल लो, और बेसिक क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 100%, मान लो कॉस्ट प्राइस को,
तो 11% की हानि होती है, यानी कि बेचेगा कितने में, 89 में, और 7% का लाभ होता है यानी कि 107%। तो यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, अब 11 और 7 18%, तो परसेंटेज में अंतर है 18% का। और ये कह रहा है कि 720 अधिक प्राप्त होते, यानी कि इससे अगर इसमें बेचता तो 720 अधिक मिलते, तो अंतर कितना है 720 का। पूछा क्या हमसे, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। ये इसका कितना मल्टीपल, 18 चौका 72, 4 और 1 40 मल्टीपल है, 100 का भी 40 मल्टीपल कितना हो जाएगा 4000। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 4000, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, 264 रुपये का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, 12% लाभ कमाने के लिए उसे एक वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो एक वस्तु के ऊपर बात हो रही है, डायरेक्ट इसको कर लेंगे, 4% की हानि होती है, इसका मतलब 96% में बेचेगा, और 96% की वैल्यू उसने दे रखी है, 264 में बेचता है, तो इसके बराबर रख लिया। पूछा क्या, 12% का लाभ कमाने के लिए तो 112 में बेचना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100%। तो अब सिमेट्री लगाकर देख लेते हैं, ये हो जाएगा, किससे कैंसिल करें हम इसको, तो हम कैंसिल कर लेते हैं, 16 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 16 एकम 16 बचेगा 10, 16 से तो नहीं होगा, 4 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 4 छक्के 26, और फिर कैंसिल कर लेते हैं 6 से, तो 6 चौके 24 और ये 11। अब ये 4 का कितना मल्टीपल है, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 मल्टीपल है, 11 का भी 28 मल्टीपल निकाल लेना, तो ये हो जाएगा 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3, 308, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर हमने सिमेट्री लगा ली है, आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं कि 96% की वैल्यू 264 है, तो 1% की वैल्यू 264/96, ये 1% की वैल्यू है, निकालनी है 112% की, तो यहाँ से सोल्व कर लेना, 308 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 51 पर, एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है, और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया है, तो खनिक को यह हीरा कितने में मिला। तो हम मान लेते हैं कि खनिक को यह मिला था एक्स रुपए में मिला, और इसने ये व्यापारी को 40% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि एक्स के 140% पर बेचा होगा, तभी तो 40% का लाभ होगा, तो अब व्यापारी का ये क्रय मूल्य बन जाएगा, और व्यापारी ने इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच दिया, यानी कि अपने क्रय मूल्य के 125% पर बेचा होगा। अब ये है ग्राहक का क्रय मूल्य, और ग्राहक ने इसे खरीदने के लिए दिए थे 56 लाख रुपए, तो ये 56 लाख के बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर लेते, 25 5 125, 25 चौका 100, 14 से कैंसिल करेंगे, 14 चौके 56, तो ये हो जाएगा 5 से और कैंसिल कर लेते हैं 2, तो 2 चौका 8, और 8 ही साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 चौका 32, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, और ये चल रहा था लाख के अंदर, तो 32 लाख इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा, और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा, इस प्रकार उसे कुल 17% लाभ हुआ, उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, ईजी रहेगा, ये मान लेते हैं पहला भाग है, यह है दूसरा भाग, तो पहले भाग को बेचा 20% के लाभ पर, और दूसरे भाग को बेचा 12% के लाभ पर, और टोटल उसे हुआ प्रॉफिट 17% का, तो एलिगेशन लगा लो, इनका अंतर कितना हो जाएगा 3, इनका अंतर कितना हो जाएगा 5, तो पहले भाग की रेशियो 5 है, दूसरे भाग की रेशियो 3 है, टोटल रेशियो कितनी है 8, और इसने कितना दे रखा था, टोटल भाग था 1600 kg। पूछा क्या है, 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, तो 20% इस साइड था, तो पहले भाग की रेशियो है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी, सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका 200 मल्टीपल है, तो 5 का भी 200 मल्टीपल कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 किलो गेहूं बेचा था पहले भाग पर, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, एक विक्रेता तार बेचता है तथा क्रय मूल्य पर ही 60% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 60% लाभ कमाता है, यानी कि 60/100, 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितने का है 60 का, तो बेचेगा कितने में, कोई चीज़ खरीदी 100 में और प्रॉफिट 60 का कमाया, तो बेचेगा 160 में, तभी तो 60 का प्रॉफिट होगा, तो क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कितना प्रतिशत होगा, तो प्रॉफिट 60 का है, सेलिंग प्राइस 160 और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 8 16,
तो 300 बटा 8 करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, वरना 3 बटा 8 में डायरेक्ट याद है ये होता है 37.5, क्योंकि 1 बटा 8 होता है 12.5, उसका 3 मल्टीपल 37.5 हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं 54 पर। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 17% मतलब हो जाएगा 17/100, तो 100 सीपी है और 17 का होता है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 117। और इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसके बीच अंतर कितना है? हमारा तो अंतर है 17, और इसने अंतर दे रखा 221 रुपये का, तो 17 बराबर 221। पूछा क्या है विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना है 117। तो इसके वैल्यू निकाल लेते हैं, सिमेट्री चेक कर लेते हैं, ये इसका कितना मल्टीपल है? 17 एकम 17 बचेगा 5, 17 51 तो 13 गुणा है, तो 117 का भी 13 गुणा कर लो, 13 7 91, इकाई का अंक एक आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 1521, पूरा भी सोल्व नहीं करना था, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 55 पर। एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा? हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 29% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब उसने 129% में बेचा होगा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी 4644। पूछा क्या है क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 4644/129, ये 1% की वैल्यू है, निकालनी 100% की है, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर ऑप्शंस की तरफ देखें तो सभी में लास्ट में 2 जीरो है, ये नहीं ए इसका कोई मल्टीपल है, तो 9 से 4 कब बन सकता है? इसके मल्टीप्लाई अगर 6 से करें तभी बन सकता है, यानी कि लास्ट में 600 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में 3600, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, क्यों टाइम वेस्ट करना वैसे, डायरेक्ट तब हो रहा। तो 56 का अगर हम देखें कि एक वस्तु 7130 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% लाभ होता है, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100%, तो 15% का लाभ होता है, यानी कि 115% में बेचेगा, और इसकी वैल्यू 7130 है, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ से निकालना है, तो 7130/115 मल्टीप्लाई में 100, इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से सोल्व करें तो 5 2 10, 5 3 15, 5 एकम 5 बचेगा, फिर 2 5 का 20, 5 2 10, 5 6 30, तो 23 से सोल्व करें तो 6 मल्टीपल देखें, 6 3 18, 6 2 12 और 1 13, तो 6 पर जाएगा पहले, फिर कितना बचेगा? 4 23 2 46, 62 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 6200, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13924 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 18% है, यदि विक्रय मूल्य 10266 रुपये हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100% है, लाभ होता है 18% का, तो बेचेगा 118% में, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 13924। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13924/118 मल्टीप्लाई में 100। 2 से सोल्व कर लेते हैं, पहले 2 5 10, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, तो अब जाएगा 1 पर, बचेगा 10, 106 हो जाएगा, दोगुना तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पर ही जाएगा, फिर बचेगा यहाँ से 40 और 1 41 और 6 47 और 2 यहाँ पर, यानी कि 472, ये हो जाएगा इसका 8 मल्टीपल, तो 118 गुणा 100 यानी कि 11800 इसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस इसने दोबारा बोला है कि अगर हम उसको बेचते 10266 में तो हानि कितनी होगी, तो हानि परसेंट कितनी हो जाएगी, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, बचेगा यहाँ पर 9, 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पर 1, तो 1534 रुपये की हानि हो गई, किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस है 11800 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में पॉइंट में भी है, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, 2 से सोल्व कर लेते हैं, पहले तो 2 5 10, 2 9 18, 2 7 14, 2 6 12 और 2 7 14, तो ये जाएगा 1 पर, बचेगा कितना यहाँ से 60 हो जाएगा, फिर 16 और 1 17, 177, तो अब हो सकता है ये इसका 3 मल्टीपल देखें, तो 3 मल्टीपल ही है इसका, ये 3 9 27, 3 5 15, 2 17, तो 13% की उसे हानि होगी, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 58 पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 33% की है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य है 5800, 33% की हानि होती है, मतलब इसको 67% में बेचेगा, तो
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इकाई का अंक देखें तो 856, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 3886, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 59, एक कूलर का क्रय मूल्य है 8400 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस 8400 रुपये है, लाभ प्रतिशत कितना है 26% का, तो इसको 126% में बेचेगा और विक्रय मूल्य हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इकाई का अंक देखें 4 6 24, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, दो ऑप्शन में है तो चेक करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करके, 126 गुणा 84, लेकिन दूसरा अंक अलग है तो दो अंक तक ही सोल्व कर लेते हैं। 4 6 24, 2, 4 2 8 और 2 10 0 आएगा, 8 6 48 8 आएगा, तो लास्ट में 84 होना चाहिए, एक ऑप्शन में है 10584, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 60, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 रुपये और 595 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 684.25 और कॉस्ट प्राइस कितना है 595, बोला क्या है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से कितना आएगा 8, कि 89.25 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 995 था, मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 से अगर हम इसको सोल्व करें, अगर पूरा पूरा सोल्व हो रहा है देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में तो पॉइंट भी है, सोल्व कर लेते हैं 5 से सोल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर बचेगा 4 5 8 40 और वहाँ 25, तो 119 एकम 119 बचेगा कितना 120, यानी कि फिर होगा ये 58 और 1 59, 995, तो ये हो सकता है फिर इसका 5 मल्टीपल, 5 निम 45, बिल्कुल 5 मल्टीपल है, तो 15% का प्रॉफिट होगा ऑप्शन वन। क्वेश्चन नंबर 61, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 56% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य है 122 तो बेचेगा कितने में, 156% में, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12, इकाई का अंक 2 होना चाहिए, नीचे 100 है तो यहाँ पर कोई संख्यागिर पॉइंट यहाँ पर लगेगा, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन में है ऐसा 190.32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 62, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में के मध्य अंतर 575 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 23% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 23% यानी कि 23/100, अगर सीपी 100 है तो प्रॉफिट हुआ 23 का, तो बेचेगा कितने में, 123 में, तो अंतर कितना हो जाएगा इनके बीच 23% का, और यहाँ से 575 है, 23% की वैल्यू 575, वैसे डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 23% का प्रॉफिट होता है, तो अंतर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही होगा 75%, तो डायरेक्ट 23% की वैल्यू 575 हम रख सकते हैं, वैसे समझाने के लिए मैंने बता दिया था। विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना था 123, 123 की वैल्यू में यहाँ से निकालनी पड़ेगी, सिमेट लगाकर देखें तो ये कितना मल्टीपल हो सकता है इसका, 23 2 46 बचेगा कितना 11 और 23 5 115 हो जाएगा, तो 25 मल्टीपल है, 25 मल्टीपल देख लो, 25 3 75 हंस लगेगी 7, 25 2 50 और 7 57, 25 1 25 और 5 30, 300 3 075 ऑप्शन फोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 35% यानी कि 35/100, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, यानी कि अगर ये विक्रय मूल्य है और ये है क्रय मूल्य, तो कोई चीज़ खरीदी 35 में बेची 100 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 65 का, परसेंटेज हमें निकालना है, तो नीचे क्या आएगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलता है, यानी कि नीचे आएगा 35 और मल्टीप्लाई में 100, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 7 35, 13 5 65, तो 1300/7 कितना हो जाएगा, ये 7 1 7 बचेगा 6, 7 2 8 56 4, 7 5 35, फिर बचेगा 5, 185.7 समथिंग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन वन। अब चलते हैं 64 पर, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है, 6% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100%,
अब 8% का नुकसान होता है, इसका मतलब 92% में बेचेगा और इसकी वैल्यू है 46। पूछा था 6% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 106% में बेचेगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसका हाफ है। तो 106 का भी अगर हम हाफ कर दें तो कितना आ जाएगा, 53। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65। एक टेलीविजन 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, 15% का नुकसान होता है, इसका मतलब 85% में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस हमने 100% मान लिया, इसकी वैल्यू है 8500। पूछा क्या है, 5% लाभ कमाने के लिए, तो 105% में बेचना होगा, 105% की वैल्यू निकालनी है। ये इसका 100 मल्टीपल है, इसका भी 100 मल्टीपल निकाल लो, तो 10,500 में उसे बेचना होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 66। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, क्या बताया था कि नीचे लिखना है रेट, ऊपर लिखना सामान। तो क्या बोला हमें, 1 रुपये में 10 टॉफियां, 1 रुपये में 10 टॉफियां बेचने पर उसने खरीदी, यानी कि 100% मान लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं, 100%। प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया है तो 100% मानेंगे, अगर प्रॉफिट या लॉस देता तो प्रॉफिट देता तो हम 100 में जोड़ देते हैं, लॉस देता तो 100 में से माइनस कर देते, लेकिन खरीदी बोला है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 125% हो जाएगा, कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचेगा। हम मान लेते हैं एक्स टॉफियाँ बेची, तो एक्स की वैल्यू में ऐसे निकालनी है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 5 125, 25 4 100, 5 6 कैंसिल करेंगे 2, यानी कि 4 2 8, तो 8 टॉफियाँ बेचेगा। ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, 1 गेंद का लागत मूल्य कितना होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा SP - CP बराबर लॉस या प्रॉफिट। लॉस होगा तो माइनस से डिनोट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे, या मैंने इसका एक अलग तरीका बता रखा है, लॉस बोले तो क्या करेंगे, CP - SP करेंगे, प्रॉफिट दे रखा तो SP - CP करेंगे, उसमें प्लस माइनस नहीं मानते, अगर इससे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस मान सकते हैं। तो 18 गेंदों को बेचने पर, यानी कि 18 गेंदें बेची थी, तो 18 SP - 18 CP, बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है तो माइनस से डिनोट कर लो, और हानि कितनी होती है, 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 6 CP के बराबर हानि होती है, CP को इस साइड लेके जाएंगे, तो 18 SP बराबर 18 और 6 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 18 होगा और माइनस का 6, यानी कि 12 CP हो जाएगा। अब 18 गेंदों का विक्रय मूल्य हमें दे रखा कितना है, 900, 12 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में बराबर CP, तो ये हो जाएगा 12 7 84 और बचेगा कितना, 6 12 5 60, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। 1 गेंद का लागत मूल्य कितना है, 75। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, रेनू का कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसको हम परसेंटेज वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूला था एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड में 100। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब एक ही वस्तु पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही वस्तु होगा, इसका मतलब देखो उसने बोला था कि उसी कीमत पर उसने एक और वस्तु खरीदी, इसका मतलब वस्तु एक ही समझ लो आप यहाँ पर। तो पहले बोला था कि 25% घाटे पर बेच दिया, यानी कि -25, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 40% का लाभ, यानी कि प्लस का 40, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, डिवाइड में 100 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से कितना आएगा 15, प्लस का 15 और माइनस का 10, यानी कि प्लस का 5, तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 3। अब चलते हैं 69 पर। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो क्या बोला कि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि हो, इसका मतलब 20% की जो हानि है वो विक्रय मूल्य के ऊपर है, तो 20% यानी कि 20 बटा 100, अगर 20 लॉस है तो 100 कितना हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, क्योंकि हानि SP के ऊपर दे रखी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कोई चीज़ 100 में बेची और 20 की हानि हो गई, इसका मतलब उसने 120 में खरीदी होगी, 120 में खरीदी, 100 में बेच दी, तो 20 का लॉस हो गया, और इसने सेलिंग प्राइस हमें दे रखा था 800, हमारा सेलिंग प्राइस 100 है और इसने हमें दे रखा है 800, तो 100 की वैल्यू 800 है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सिमेट लगाएं तो इसका 8 मल्टीपल, इसका 8 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी कि 960, यह क्या है, कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या था, उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो, क्रय मूल्य 960,
तो इस पर 25% का लाभ लेना है, यानी कि 125% में बेचना होगा। 25 पंजे 125, 2500 का 100, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, अब ये हो जाएगा 24 पंजे 120 और 1 जीरो, यानी कि 1200 में उसे बेचना होगा, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया, पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। यहाँ पर ये 120 क्विंटल गेहूं सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए है, यहाँ पर इसका कुछ भी यूज नहीं होगा। इसने बोला है कि इस गेहूं के 20% भाग को, 20% यानी कि 1/5, यानी कि अगर टोटल 5 भाग है तो उसके 1 भाग को, यानी कि 1 को बेच दिया उसने 25% की हानि पर। हानि बोले तो माइनस से डिनोट कर लेना, तो माइनस हो जाएगा ये, तो शेष कितना रह जाएगा, 5 टोटल था, 1 बेच दिया 25% हानि पर, तो 4 भाग शेष रह जाएगा। तो 4 को शेष गेहूँ को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी कि हम मान लेते हैं x% लाभ पर बेचा, लाभ है तो प्लस से डिनोट कर लेंगे। टोटल पर, टोटल कितने थे, 5 यूनिट, तो टोटल पर उसे हुआ 25% का लाभ, तो लाभ है तो प्लस से डिनोट कर लेना। इसको सोल्व कर सकते हो, -25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 25 पंजे 125, यानी कि 4x हो जाएगा 150, तो x कितना हो जाएगा, 150/4, तो 4 तिया 12 बचेगा कितना, 3 4 7 28, तो 37.5, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 71 पर। अनु ने किसी लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा, यदि उसने इसे 400 रुपये में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। क्या बोला है कि उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, हानि कितनी हुई, जो प्रारंभिक लाभ हुआ था उसके 1/3 पर। तो यहाँ इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका बेसिक देखना हो तो बेसिक देख लो। अगर यहाँ पर माने सीपी, तो पहले उसने लाभ पर बेचा, यानी कि सीपी से ज़्यादा में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, और कितने में बेचा, 480 रुपये में बेचने से उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, मान लेते कि पी का प्रॉफिट हुआ, तो फिर उसे 400 रुपये में बेचने पर कुछ हानि हुई, और ये हानि जो प्रारंभिक प्रॉफिट था इसके 1/3 के बराबर थी। आप एक काम करो, इसको 3p मान लो, अब इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 3p का 1/3 यानी कि p हो जाएगा, तो इसके बराबर हानि हो गई, हानि को हमने मान लिया प्रारंभिक प्रॉफिट का 1/3, तो p मान लिया। अब अंतर देख लो, यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, इनका 80 का अंतर है और ये हो जाएगा 4p, तो 4p किसके बराबर है, 80 के, p किसके बराबर है, ये हो जाएगा 20 के बराबर। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 400 में 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 420, या फिर 480 में से 3p माइनस कर सकते हो, तो 420 कॉस्ट प्राइस होगा। पूछा क्या था, यही हमसे पूछा था, यानी कि ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 72 पर। जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, कॉस्ट प्राइस मान लेना 100%, तो 29% की हानि होती है, इसका मतलब 71% में बेचा होगा और इसकी वैल्यू 355 है। फिर बोला है कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 121% निकालना होगा, तो 121% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 355/71, वैसे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक लगाएं तो इसका 5 मल्टीपल है, इसका भी 5 मल्टीपल देख लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 605, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 73। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती, यदि उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस मान लेना 100 और सेलिंग प्राइस मान लेना x, हमें यहाँ पर दोनों चीज़ों को मानना ही पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो फिर क्या बोला, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, यानी कि पहले कितने में बेचा था, x में, अब इसके 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3, तो अब इसको अगर हम 1/3 पर बेचें, पहले था x, इसका 1/3 हो जाएगा x/3, इतने में बेचें तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती है, यानी कि 1/3 की हानि होती है, तो बेचेगा कितने में, अगर मान लेते हैं एक कॉस्ट प्राइस है, 1/3 की हानि होती है, तो बेचेगा 2/3 में, तो 100 के 2/3 में उसे बेचना पड़ेगा, और ये हमें दे रखा x/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, तो सेलिंग प्राइस निकाल लिया है 200। फिर क्या बोला है, यदि उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता तो 200 का 60% कितना हो जाएगा, 60% यानी कि 3/5, तो ये हो जाएगा 40, यहाँ से
और 120, तो 120 में बेचा जाता, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 100 में खरीदी, 120 में बेच दी, तो 20 का प्रॉफिट, नीचे 100 मल्टीप्लाई में 100 यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन वन। तो क्या करना है आपको, कॉस्ट प्राइस मान लेना है 100, सेलिंग प्राइस मान लेना है एक्स। फिर बोला था कि जो पहले सेलिंग प्राइस था उसके 1/3 पर बेचा गया, यानी कि एक्स 1/3 पर बेचा गया, और उससे 1/3 की हानि हुई, तो हानि हुई तो बेचेगा कितने में, 100 के 2/3 में बेचेगा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स आ जाएगा 200। अब 200 का 60%, 120, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 20 का प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पीछे क्या था ऐसा क्वेश्चन, क्या बताया था कि SP माइनस CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट करना। तो कितनी वस्तुओं को बेचकर, दो वस्तुओं को बेचने पर, तो 2 SP माइनस 2 CP, तो क्या होता है, लाभ होता है, तो प्लस रखेंगे, और लाभ होता है तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 3 CP के बराबर लाभ हुआ। CP को इस साइड लेके जाएंगे, तो 2 SP बराबर 5 CP। अब 2 SP का रेट हमें दे रखा है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि 800 होगा बराबर 5, नीचे रख लेते हैं ये CP हो जाएगा, तो CP कितना आ जाएगा यहाँ से 160। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 160। पूछा क्या था, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 160, सेलिंग प्राइस कितना है, दो वस्तु का सेलिंग प्राइस था 800, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 400 है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, देख लो यहाँ से प्रॉफिट होगा 240 का, किसके ऊपर, 160 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, ये हो जाएगा 25, 25 छक्के 150, तो 150% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को उस मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वैसा ही क्वेश्चन है, एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है एक्स। फिर बोला है यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता, अब बेचा जाता है एक्स पर, इसके 80% पर बेचा जाता, 80% यानी कि 4/5 होता है, तो 4x/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 10% की हानि होती, इसका मतलब हो जाएगा कि 90 में बेचेगा, तो 90 बराबर किसके है, 4x/5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 450/4, ये क्या अब सेलिंग प्राइस है। पूछा क्या है, यदि उस वस्तु को वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस भी अब निकालना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ये भिन्न में है, तो एक काम करो रेशियो बना लो इनको, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 450/4, तो 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो 400 हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, 0 से 0, और हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 8 40, 5 9 45, तो 8 कॉस्ट प्राइस है, 9 सेलिंग प्राइस, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 का, किसके ऊपर, 8 के ऊपर, 1/8 कितना होता है, 12 सही, 1/2 यानी कि 12.5%, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, अगर वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता, उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100, 16% कम पर बेचता है, यानी कि बेचेगा कितने में, 84 में। फिर बोला है अगर वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता, तो 14% का लाभ होता तो बेचता कितने में, 114 में, तो कितने कम में, कितने अधिक में बेचता यहाँ से, तो यहाँ से बेचता वो 16 और 14 यानी कि 30 अधिक में, तो 30 अधिक में बेचता, और इसने हमें दिया है कि 33 रुपये अधिक में बेचता, यानी कि 30 की वैल्यू कितनी है, 33। पूछा क्या है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, क्रय मूल्य है 100, 25% का लाभ कमाने यानी कि 125 में बेचेगा, तो 125 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, या आप चाहो तो पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हो, 100 की वैल्यू, और फिर वहाँ से 25% का प्रॉफिट निकाल सकते हो। हम यहाँ से डायरेक्ट 125 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो 1 0 हटाकर इसका 11 मल्टीपल है, पर यहाँ पर 0 है नहीं, इसको 100 लिख लेते हैं, 33/30 और मल्टीप्लाई में 125।
तीन से कैंसिल करेंगे 11, अब 11 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे जीरो का पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, 2 और 5 7, 2 और 1 3 और ये 1, नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो इतने में उसे बेचना पड़ेगा 76 में, ऑप्शन सेकंड। आप चलते हैं 77 पर। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है, यानी कि बेचता है उसमें 20% का लाभ निहित रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो 20% का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर आया है उसे, 20% यानी कि 20/100। अगर 20 का प्रॉफिट हुआ तो 100 क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कोई चीज़ 100 में बेची और 20 का प्रॉफिट भी कमा लिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 80, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है 80 और सेलिंग प्राइस 100। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, तो माल कितने में खरीदा 80 में, अगर उसमें 10% की वृद्धि हो जाए तो अब कितने हो जाएगा, 80 का 10% 8, 8 की वृद्धि हो जाए तो 88 हो जाए, अगर कॉस्ट प्राइस अब हो गया 88। और वह माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो 8% अधिक पर बेचता है तो बेचेगा 108 में, 100 का 8% 8 हो जाएगा, इतने में बेचता है। तो प्रॉफिट कितने का कमाया है 20 का, किसके ऊपर 88 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 5 20 और ये हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 और 50, तो ये हो जाएगा 250/11, तो 11 2 22 कितना बचेगा 3, फिर ये 2 पर ही जाएगा, तो 22 समथिंग किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में 22.7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 78 पर। पैंतीस परसेंट वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को एक्स परसेंट की हानि पर बेच दिया, इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% हानि हुई तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 35% वस्तु यानी कि 35/100, अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7/20। अगर टोटल वस्तु 20 थी तो उनमें से 7 वस्तुओं को, तो 7 वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा, लाभ है तो प्लस से डिनोट करना। बाकी वस्तु कितनी रह जाएंगी, टोटल थी 20, 7 को बेचा गया तो 13 वस्तुओं को, यानी कि शेष वस्तु है 13, इनको एक्स परसेंट की हानि पर, हानि है तो माइनस से डिनोट करना, और टोटल कितनी थी 20 वस्तुएं, और टोटल थी 20 यानी कि उसको 12% की हानि पर, हानि है तो माइनस से डिनोट करना। एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 7 5 35, 7 6 42 और 3 45, -13x बराबर कितना हो जाएगा 240, वो भी माइनस का। तो एक काम करते हैं, 240 को इस साइड ले आएंगे, 13x को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13x बराबर 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो x कितना हो जाएगा 13 5 65, बचेगा कितना यहाँ से 4, 13 3 39, 53 समथिंग आना चाहिए 78 में, एक ही ऑप्शन में है 53.5। क्वेश्चन नंबर 79, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती, यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 100%, 100 ही मान लो, और 14% के लाभ पर बेची जाती है, यानी कि कितने में बेची जाएगी फिर 114 में। फिर बोला यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती, हानि उठानी पड़ती यानी कि कितने में बेचता फिर, 92 में बेचता, कितने कम में बेची है यहाँ से 14 और 8 22 रुपये कम में बेची, और ये कह रहा था कि 121 रुपये कम में बेची। और फिर क्या बोला, यदि वही वस्तु इतने में बेची जाती तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 11 से 11 2 22 और ये हो जाएगा 11, सिमेटी लगाएं तो ये इसका 50 मल्टीपल है, 11 का भी 50 मल्टीपल देख लो कितना हो जाएगा 550। तो 550 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस, और इसने दे रखा है हमें 536.25 रुपये, ये क्या है इतने में बेचता है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना होगा या हानि कितनी होगी। तो कोई चीज़ खरीदी 550 में, बेची 536.25 में, तो हानि हो जाएगी, कितने की हानि हो जाएगी, ये 13.75 की, किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस था 550 और मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल कर लेते हैं, इसको 25 से सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 5 125, 12 बचेगा 25 5 125 और इसको सोल्व करेंगे 25 2 50 और 25 2 50, 11 2 22, 11 5 50, तो ये हो जाएगा 2.5%, ये क्या है हानि है, तो 2.5% की हानि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 80,
एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 30 किलो की लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, कितने बेचकर, 80 बेचकर, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3/8 डायरेक्ट याद है 37.5% हो जाएगा, क्योंकि 1/8 होता है 12.5%। ऑप्शन 4, अगर इसको बेसिक से करना चाहो तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, SP - CP बराबर लॉस या फिर प्रॉफिट। तो कितनी बेचनी है, 80 किलो, तो 80 SP - 80 CP लाभ होता है, तो प्लस से लाभ कितना होता है, 30 किलो लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 30 SP के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ, तो 80 SP बराबर ये हो जाएगा 110 CP। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, SP की रेशियो हो जाएगी 11, CP की रेशियो हो जाएगी 8, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 का, किसके ऊपर, 8 के ऊपर, 3/8 कितना होता है, 37.5। ऑप्शन 4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।